हाय ऑल, मैं संदीप गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम ऐसे दो डिटॉक्स जूस के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। जिस तरीके से हम बाहर से बॉडी को क्लीन करने के लिए स्क्रबर का यूज करते हैं, इससे जो हमारे बॉडी के ऊपर की लेयर पर मेल जमा है वो क्लीन हो जाता है, उसी तरीके से इन डिटॉक्स जूस का यूज करने से हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी साफ होती है। जो चीजें हमें दोनों ही जूस में ध्यान रखना है वो है कि हमें इसे सुबह के समय लेना है, इसमें हमें कुछ भी ऐड फ्लेवर के लिए नहीं करना है, इसे जितने ज़्यादा रॉ फॉर्म में लेंगे उतनी ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसे पीसने के बाद 15 मिनट से ज़्यादा स्टोर ना करें क्योंकि इससे इसका गुण खत्म होने लगता है। ये दोनों ही जूस का स्वाद ना तो कड़वा है ना ही मीठा, इसे आपको एक गिलास कंज्यूम करना है सुबह के समय। तो अब हम पहले देखते हैं बनाना स्टेम। ये बनाना स्टेम है, ये आपको कोई भी सब्जी दुकान में मिल जाएगा। ये बनाना स्टेम का जूस बहुत ही बेनिफिशियल है, बॉडी को तो ये क्लीन करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे किडनी से रिलेटेड चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, किडनी स्टोन हो या फिर किडनी वाले पोजीशन में पेन होता हो, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है उस कंडीशन में। अगर आप इसे डेली सुबह के समय लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इस किडनी के प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको ये ऊपर वाले छिलके के हिस्से को उतार देना है, अंदर वाला जो पार्ट है उसे छोटे छोटे पीस में काट लेना है। इसके बाद आप इसे मिक्सी में डाल करके पीस ले। पीसते समय अगर आपको थोड़े पानी की इसमें ज़रूरत पड़े तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अच्छे से पीसने के बाद इसे छान लें। एक गिलास जूस जो बनेगा उसे आप डेली सुबह कंज्यूम करें, इससे बहुत ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये पोटेशियम रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। ये पोटेशियम करता क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे अगर किडनी में स्टोन है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके साथ मेल्ट हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज भी हुए हैं, एक रिसर्च मैं आपको साइड की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। इसे कहते हैं इंग्लिश में एसगार्ड, संस्कृत में इसे कुष्मांड कहा जाता है। कुष्मांड का अर्थ होता है एनर्जी का छोटा अंडा, हिंदी में इसे चल कुमड़ा या सफ़ेद पेठा कहा जाता है। इसे बनाने के प्रोसेस को समझते हैं। सफ़ेद पेठा करीब 250 ग्राम में एक गिलास जूस देता है, मतलब कि अगर आपको चार लोगों के लिए बनाना है तो इसे आपको करीब 1 किलो लेना होगा। इसे लेने के बाद इसके ऊपर के छिलके को उतार दें और अंदर की बीज को निकाल दें क्योंकि ये कड़वे होते हैं स्वाद में। फिर इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में पीस लें। आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ी पानी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे छान लें। छानने के बाद आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें। एसगार्ड को आप कम से कम 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं अगर वो कटा ना हो तो। काटने के बाद आप उसे फ्रिज में रखकर 4 से 5 दिनों तक ही खाली स्टोर कर पाएंगे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इसे जल्दी कंज्यूम कर लें। तो आज की वीडियो में हमने दो ऐसे डिटॉक्स जूस देखे जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से अंदर से क्लीन करते हैं। इसे आप मॉर्निंग के समय कंज्यूम करें और इसका बेनिफिट आपको 6 से 7 दिनों में ही दिखना चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।